दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सरकार की ओर से कभी भी नोट छापे जा सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए सरकार को कई तरह के नियम फॉलो करने होते हैं। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं या पैसे की ज़रूरत होती है, तो आपका भी मन करता होगा कि एक ऐसे छापने वाली मशीन आ जाए तो पूरी टेंशन ही ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसे तो वो भी लोग नहीं कर सकते जिनके पास नोट छापने की मशीन है, यानी खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्हें भी कई नियमों का ध्यान में रखते हुए नोट की छपाई करनी होती है, जिसके बाद ही बाजार में नोट आ पाते हैं। ऐसे में जानते हैं कि आखिर नोट किस आधार पर छापे जाते हैं और कब यह पता चलता है कि अब नोट छापने की ज़रूरत है। साथ ही यह भी जानते हैं कि नोट छापने से जुड़ी कौन सी खास बातें हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता है। दरअसल दोस्तों, भारत में नए सिक्के छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी नोट RBI छापता है, जबकि 1 रुपये का नोट भारत सरकार की ओर से छापा जाता है। दोस्तों, खास बात तो यह है कि RBI 10,000 के नोट भी छाप सकता है और इससे बड़े नोट छापने के लिए सरकार से इजाज़त लेनी होती है। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि कितने नोट छापना है, इसे कैसे तय किया जाता है। सबसे पहले RBI कई मानकों को ध्यान में रखते हुए यह पता करता है कि कितने नोट छापने की ज़रूरत है और फिर इसके लिए सरकार से स्वीकृति ली जाती है। फिर सरकार भी आदेश देने से पहले RBI से इजाज़त लेती है। वैसे दोस्तों, आखिरी फैसला सरकार ही लेती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जब भी देश में गरीबी को मिटाना हो और चाहे जब नए नोट छाप दिए जाएं, भले ही दोस्तों सरकार के पास नोट छापने का अधिकार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मन करे तब नोट छाप दिए जाएं। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, इससे वहाँ की करेंसी की कीमत काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और महंगाई की रेट भी काफ़ी बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरकार और RBI GDP, विकास दर, राजकोषीय घाटा आदि के आधार पर तय करते हैं कि आखिर कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। रिजर्व बैंक साल 1956 से करेंसी नोट छापने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत करेंसी की छपाई करता है। इस नियम के मुताबिक करेंसी नोट प्रिंटिंग के विरुद्ध न्यूनतम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व हमेशा रखा होना जरूरी है। इसके बाद ही रिजर्व बैंक करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, मतलब आज़ादी से पहले देश में रिजर्व बैंक की नींव पड़ चुकी थी। अपनी स्थापना के 3 साल बाद साल 1938 की जनवरी में RBI ने पहली बार 5 रुपये का करेंसी नोट जारी किया था। इस नोट पर किंग जॉर्ज 5 की तस्वीर प्रिंट हुई थी, मतलब आज़ादी से 9 साल पहले रिजर्व बैंक ने अपनी पहली करेंसी जारी की थी। इसके बाद 10 रुपये नोट, मार्च में 100 रुपये के नोट और जून में 1,000 रुपये, और बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि 10,000 रुपये के नोट भी जारी किए गए थे। आखिर 10,000 रुपये नोट क्यों बंद हो गए और इसे क्यों शुरुआत करनी पड़ी थी, इसे जानने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस बारे में वीडियो चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसी तरह आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ।